राम दरबार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट कर रहे हैं। पिछले 8 वर्ष देश और प्रदेश के लिए अद्भुत बदलाव के वर्ष रहे हैं। सभागार में उपस्थित आप सभी महानुभावों का स्वागत करने के लिए तथा इस आयोजन के विषय में विस्तार से प्रकाश डालने के लिए अब मैं उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री श्री नंद गोपाल नंदी जी को स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित करता हूं। श्री नंद गोपाल नंदी। आज के इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों के दिलों पर राज करने वाले विश्व के सबसे लोकप्रिय शक्तिशाली नेता, हम सबके अगुआ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ प्रदेशवासियों की समृद्धि और खुशहाली के लिए सतत समर्पित नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के शिल्पकार उत्तर प्रदेश के कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी मैं इस मंच पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देश के यशस्वी रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय महेंद्र नाथ पांडे जी, विधानसभा अध्यक्ष माननीय सतीश महाना जी, विधान परिषद के सभापति माननीय कुंवर मानवेंद्र बहादुर सिंह जी, माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, मंत्रिमंडल के हमारे सभी सहयोगी साथीगण, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा जी, आए हुए सभी उद्यमियों, गणमान्य अतिथियों, पत्रकार बंधुओं, मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से और सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में उपस्थित उद्योग जगत की जानी मानी सभी हस्तियों का और सेरेमनी में शामिल प्रत्येक निवेशक का हम विशेष रूप से आभार करते हैं। आपकी प्रतिबद्धता और प्रयासों से आज का ये आयोजन सफल हुआ है। आपकी उपस्थिति हमारे मनोबल को बढ़ाने वाली है और उत्तर प्रदेश के औद्योगिक परिवेश को बदलने में आप सभी का अमूल्य योगदान है। हम सबका परम सौभाग्य है कि यह सेरेमनी ऐसे समय में आयोजित हो रही है जब पूरा देश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में केंद्र सरकार के सफलतम 8 साल पूरे होने का उत्सव मना रहा है। इन आठ सालों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिना रुके, बिना थके 130 करोड़ भारतवासियों की तरक्की और खुशहाली के लिए लगातार काम कर रहे हैं। ये 8 साल सुशासन और सेवा को समर्पित रहे, ये 8 साल भरोसे और विश्वास को समर्पित रहे, ये 8 साल तरक्की और समृद्धि को समर्पित रहे। इन 8 सालों में पूरी दुनिया ने भारत की चमक और धमक को महसूस किया है। इन 8 सालों में देश की तकदीर और तस्वीर दोनों बदली है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके प्रेरणादायी मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में नए भारत का नया उत्तर प्रदेश आपकी अपेक्षा के अनुरूप अपने सर्वोत्तम सामर्थ्य के साथ देश की तरक्की में अपना योगदान सुनिश्चित कर रहा है। अब उत्तर प्रदेश की पहचान अमेठी और सैफई से नहीं बल्कि अयोध्या, मथुरा, काशी और कुशीनगर से होती है। पूरी दुनिया में प्रभु श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, बाबा विश्वनाथ, भगवान बुद्ध पर आस्था रखने वाले करोड़ों लोग आज उत्तर प्रदेश को उसकी पौराणिक पहचान से मिलने से गदगद हैं और खुशी इजहार करते हैं और उनके मन में एक ही भाव उठता है कि
कि रघुकुल रीति जहाँ के हैं राम रमैया, जिस धरती पर जन्मे किसन कन्हैया, देश ही नहीं सकल विश्व में सबसे विशेष है ये अपना उत्तर प्रदेश है, ये अपना उत्तर प्रदेश है। जहाँ एक ओर हमारी सरकार ने प्रदेश के आध्यात्मिक धरोहर को सजाया है, तो वहीं दूसरी ओर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य को लेकर उत्तर प्रदेश को इन्वेस्टमेंट के सबसे अनुकूल और सुरक्षित डिस्टिनेशन के रूप में सजाया और संवारा है। आज की इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 80,224 करोड़ का निवेश इस बात का प्रमाण है कि हमने इन्वेस्टर का भरोसा और विश्वास जीता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में हमारी सरकार ने लैंड अलॉटमेंट से लेकर के इन्वायरमेंट क्लियरेंस तक अनेक नियमों में सुधार करके और सिंगल विंडो के माध्यम से उन्हें और अधिक व्यवहारिक और सरल बनाया है। इसी का परिणाम है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम 12 स्थानों की छलांग लगाते हुए देश में नंबर 2 पर आ पहुंचे हैं। विभाग का दायित्व संभालने के बाद हमने अधिकारियों से कहा है किसी भी उद्यमी को बार बार दफ्तर के चक्कर ना काटने पड़े, इसके लिए हम खुद आगे बढ़ करके उनका सहयोग करें। प्रदेश सरकार के अधिकारियों और उद्यमियों के बीच बेहतरीन तालमेल स्थापित हुआ है और हम सब मिलकर उत्तर प्रदेश को औद्योगिक विकास में नंबर 1 बनाने के लिए काम कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर मैं औद्योगिक विकास विभाग के ACS श्री अरविंद कुमार जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं, जिन्होंने रात दिन मेहनत करके इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को सफल बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को औद्योगिक विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। यहाँ पर उपस्थित सभी उद्यमियों को हम विश्वास दिलाना चाहते हैं, प्रदेश में आपके हित पूर्णतः सुरक्षित और संरक्षित हैं। हम सभी को माननीय प्रधानमंत्री जी का एवं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुमूल्य मार्गदर्शन प्राप्त होना है। अतः मैं अपनी बात को आगे न बढ़ाते हुए एक बार फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी गणमान्य अतिथियों, उद्यमियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय प्रधानमंत्री जी, अभी कुछ दिन पहले हम सभी ने क्वाड सम्मेलन की एक तस्वीर देखी, जिसमें विश्व के तमाम बड़े नेता आपके पीछे चल रहे थे। वह तस्वीर देख के भारतीयों ने गर्व का अनुभव किया और सभी के मन में यह भाव था कि हिंदी फिल्म का वह गाना आपके यशस्वी नेतृत्व में साकार होता दिखाई दे रहा है। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला और आगे बढ़ा। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत। बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। वीरवर लक्ष्मण की इस नगरी में आयोजित इस आर्थिक महाकुंभ में देश और विदेश के 100 से अधिक नामी उद्यमी और विनिवेशक भी भाग ले रहे हैं। देश के आर्थिक विकास में इन उद्यमशील महानुभावों की विशेष भूमिका रही है। उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के रूप में सर्वप्रथम मैं अडानी समूह के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री गौतम अडानी जी को उनके संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। नमस्कार। पूरी दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी अपने निरंतर प्रयासों से उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने वाले माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, यहाँ उपस्थित अन्य मंत्री श्री, उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम अधिकारीगण, उद्योग जगत के मेरे सभी मित्रों और उपस्थित सभी महानुभावों, मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे दो ऐसे महान नेताओं के साथ
उपस्थित रहने का मौका मिला है, जो नया भारत बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, फ्रॉम द डे यू बिकम चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, आई हैड द प्रिविलेज टू हैव क्लोजली ऑब्जर्व्ड एज यू कंसेप्चुलाइज्ड, एग्जीक्यूटेड एंड इंस्टीट्यूशनलाइज एंड इकोनॉमिक मॉडल driven by a tremendous focus on industrialization and balanced development for all. Now, as the Prime Minister, you are implementing the famed Gujarat model across the country, and the effect is transformational. Uttar Pradesh is a symbolic of this quantum leap forward. Honorable Prime Minister, you are building a new India. A new India that works to restore its past glory. A new India that stands by its allies and friends. A new India that takes center stage on the global platform. A new India that feels and cares for all its citizens. A new India where all Indians can hold their heads high. You are the architect designing the aspirations of 135 crore Indians, and with 16% of India population, it is Uttar Pradesh success that sets the tone for the nation's success. Mananiya Mukhyamantri ji, Uttar Pradesh ke liye aapka vision, aapki anushasit jeevan shaili, kaam ke prati aapki nishtha, sarvangin vikas ke taraf aapka jhukav aur execution ki kshamta prernatmak hai. Jis tarah आप उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था में सुधार लाए और गुड गवर्नेंस की मिसाल कायम की, उससे आज उत्तर प्रदेश प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में भारत का सर्वोत्तम प्रदेश बन चुका है. हम इतने राज्यों में काम करते हैं और मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि चाहे बात गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट की हो या अन्य किसी भी प्रोजेक्ट की, आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश प्रशासन का प्रोफेशनलिज्म और तेजी से निर्णय लेने की क्षमता आश्चर्यजनक और सराहनीय है. आपका विजन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेशन बिल्डिंग के विजन से जिस तरह मेल खाता है, यह कोई अन्य राज्यों के लिए एक मिसाल बन चुका है. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, यू आर एस्टैब्लिशिंग द फाउंडेशन ऑन विच यूपीस ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी विल बी बिल्ट. लेट मी नाउ टॉक अबाउट द अदानी ग्रुप इन्वेस्टमेंट इन उत्तर प्रदेश. वी आर इन्वेस्टिंग over 70,000 crores in the state. We anticipate this investment creating over 30,000 jobs. Of this investment, rupees 11,000 crores has already been spent across our transmission, green energy, water, agri logistics, and our data center business. We are also investing rupees 24,000 crores on road and transport infrastructure and rupees 35,000 crores on multimodal logistics as well as defense sectors. It is a proud moment to share that we are setting up South Asia's largest ammunition complex at Kanpur. This is the largest
प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन यूपी डिफेंस कॉरिडोर, आवर लार्ज इन्वेस्टमेंट आर अ साइन ऑफ आवर कॉन्फिडेंस दैट उत्तर प्रदेश ऑफ टुडे विल डिफाइन इंडिया ऑफ टुमारो. मित्रों, मैं अपनी बात का समापन सरोजिनी नायडू जी की कुछ सदाबहार पंक्तियों से करना चाहूंगा. मैं सोच भी बदलता हूं, मैं नजरिया भी बदलता हूं, बदलता नहीं कुछ तो मैं लक्ष्य नहीं बदलता हूं, उसे पाने का पक्ष नहीं बदलता हूं. हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के सिद्धांतों को शायद इन चंद पंक्तियों से बेहतर और किसी तरीके से नहीं दर्शाया जा सकता है. मुझे गर्व है कि अदानी ग्रुप यूपी के विकास में सहयोग दे पा रहा है. धन्यवाद. जय हिंद. धन्यवाद श्री गौतम अडानी जी. इस क्रम में अब मैं अनुरोध करूंगा आदित्य बिरला ग्रुप के अध्यक्ष श्री कुमार मंगलम बिरला जी से कृपया मंच पर पधारें. श्री कुमार मंगलम बिरला. ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, ऑनरेबल राजनाथ सिंह जी, चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी, ऑनरेबल मिनिस्टर्स, सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, फ्रेंड्स फ्रॉम इंडस्ट्री, लेडीज एंड जेंटलमैन, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. द टाइमिंग ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट समिट इन उत्तर प्रदेश होल्ड्स आई थिंक वेरी स्पेशल सिग्निफिकेंस. जस्ट अ फ्यू डेज अगो एज वी नो द मोदी गवर्नमेंट कंप्लीटेड 8 वेरी सक्सेसफुल ईयर्स इन ऑफिस. I'm sure that you will all agree that this has been a period of epochal change. India has emerged as the fastest growing large economy in the world and is a testament to the growth and development that we have witnessed under the leadership of our beloved Prime Minister Narendra Modi ji. Just last week, sir, I was in Davos and it was striking to see how India dominated not just the conversations but even the investment narrative. India today stands out as an investment destination in a world that is fraught with turmoil. Dynamism in policy making, transparency in administration, stability in governance, and a relentless focus on reforms have been hallmarks of the NDA government. Honorable Prime Minister, I can tell you, sir, with first-hand experience, given our group's presence across 36 countries, the world today recognizes India's prowess. Our Prime Minister has also championed cooperative federalism on the one hand and also championed competitive federalism on the other hand. The scale of this global investment summit is perhaps another marker of that. Personally for me, it is truly a pleasure to be here in Uttar Pradesh and participate in this program. In the 1950s, when India was in its early stages of development, Hindalco, the metals flagship company of the Aditya Birla Group, took root in Renukoot, which was then a remote corner of Uttar Pradesh. Since then, the Renukoot factory has grown almost 100 times. Hindalco has grown to be amongst the largest aluminium companies in the world, and our group has expanded in many, many more businesses in Uttar Pradesh and, of course, globally as well. Here in Uttar Pradesh, our presence spans diverse sectors, including cement, chemicals, carbon black, and financial services. Over the years, our group has invested over 40,000 crores in the state, and today we offer direct and indirect employment to about 35,000 people. Our community initiatives span 450 villages and meaningfully touch the lives of over 1 million people annually. Our CSR projects focus on healthcare, education, the girl child, sustainable livelihood, and infrastructure.
For example, we run 11 schools in Uttar Pradesh that provide quality education to 10,000 students. Through our connect with the government's ongoing Nayi Pahal project, we have helped transform 180 government schools in 8 districts of Uttar Pradesh. Therefore, we are deeply invested in the progress of the state, and so it is very heartening to see the metamorphosis, the huge change that the state has been going through, most remarkably under the dynamic leadership of our Chief Minister. UP has become today clearly one of the most attractive destinations for investment in India. As they say, double engine ki sarkar ke chalte vikas ko mili ek nayi raftar. I noticed that there are 3 distinct signs of the huge transformation that is underway here in UP. First is the significant strides that the state has made in terms of ease of doing business. As some of you might know, in the central government's annual rankings, UP has jumped to the 2nd position in the latest survey released in 2021, from being in the 14th position in 2016. It has implemented 186 of the 187 reforms suggested by the union government. The Nivesh Mitra portal, which is a dedicated single window system, has also won huge appreciation from investors both in India and globally. Second is the vote of confidence from foreign investors. The state has received FDI of over 880 million since October 2019, despite the COVID pandemic. The amount of FDI received during this period was more than what was received in the previous 2 decades. Third is the scale and speed with which the state is upgrading its infrastructure. In the last few years, Uttar Pradesh has embarked on mammoth infrastructure projects like the Purvanchal Expressway, the RRTS, or the high-speed regional rapid transit system, and a slew of other new airports. All these initiatives, to me, demonstrate the intent to transform and to transform at a neck-break speed. One can palpably feel the rapid strides of progress in the way UP is progressing under the leadership of Chief Minister Yogi Adityanath ji and the guidance of our Prime Minister Modi ji. As an early investor in the state's journey of industrialization, we feel very enthused by this new face of Uttar Pradesh. It is no longer a state that is content being a lagging follower in the nation's economic journey. Rather, it is a keen leader of India's evolution to a $5 trillion economy. When it comes to ease of doing business or building new age infrastructure, UP is setting an example for other states to follow. At the end of the day, ease of doing business is about an experience, and our experience with the administration has been truly wonderful. I personally look forward to this continued support as we continue to accelerate our investments in Uttar Pradesh across businesses. Our cement business, for example, is investing 5,000 crores in cement grinding capacities in Shahjahanpur and near Lucknow. Several of our other businesses, namely carbon black, aluminium, and financial services, have large investments in the pipeline to be made in the next 3 years. I would like to take this opportunity to assure Chief Minister Yogi Adityanath ji and the administration that we will always and continue to be active partners in the remarkable development journey of Uttar Pradesh. I will conclude by taking inspiration from a Hindi couplet that aptly captures the story unfolding in front of our eyes. Jab hausla bana liya hai unchi udaan ka, phir dekhna fizool hai kad aasman ka. Thank you. Bahut bahut dhanyawad Aditya Birla Group ke adhyaksh Shri Kumar Mangalam Birla ji. Ab main विनम्रता पूर्वक अनुरोध करूंगा हीरानंदानी समूह के अध्यक्ष श्री निरंजन हीरानंदानी से कृपया मंच पर आएं।
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, आदरणीय श्री राजनाथ जी, डिग्नेटरीज एंड माय डियर फ्रेंड्स, यूपी के तीसरे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में आज आया यहाँ आना मैं एक बड़े सम्मान की बात समझता हूँ। मैं आपको गर्व के साथ बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी डबल इंजन वाले अंदाज में काम कर रहे हैं। उनका जो प्रभाव देखने को मिल रहा है वो आर्थिक विकास के क्षेत्र में बुलेट ट्रेन जैसा है। वास्तव में मेरा बेटा दर्शन, जो ऑडियंस में बैठा है, जिसने हमारे डेटा सेंटर डिवीजन की स्थापना की, उसने कहा आइए हम यूपी सरकार के साथ बातचीत करें और कोशिश करके देखते हैं एक नई दिशा की ओर आगे बढ़कर। अनुभव अपने आप में एक उदाहरण होता है। उत्तर प्रदेश में मेरा अनुभव तो बेहद शानदार और अद्भुत रहा है। आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ स्पीड ऑफ इन्वेस्टमेंट सक्सेस गजब का है। मैं आज 40 वर्षों से कंस्ट्रक्शन बिजनेस में हूँ और ऐसे चमत्कार नहीं देखा मैंने। आइडिया से लेकर डिलीवरी तक 1500 करोड़ रुपए की सोफिस्टिकेटेड परियोजना, वर्ल्ड क्लास डेटा सेंटर को 24 महीने की अवधि में पूरा करना किसी भी देश के लिए गर्व की बात है। क्रोनोलॉजी प्रस्तुत करता हूं। 2020 के अगस्त में बातचीत हुई, लैंड अलॉटमेंट अक्टूबर में, दिसंबर में ग्राउंड ब्रेकिंग, 2021 के फरवरी में पूरे अप्रूवल्स आ गए, हमने मार्च 2021 में निर्माण कार्य शुरू किया और आज मैं बड़े ही गर्व से साथ आप सभी को बताना चाहता हूं कि इस साल अगस्त में हम पहले डेटा सेंटर के साथ लाइव हो जा रहे हैं। साथ ही उसी डेटा सेंटर पार्क में दूसरी इमारत का निर्माण भी शुरू कर रहे हैं। मैं बड़ी नम्रता से ये अनुरोध करता हूं कि अगस्त के प्रथम सप्ताह में इसी शुभ आरंभ के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित रहें और इस अवसर पर हमें आशीर्वाद दें। हम यूपी में अगले 5 साल हर साल लगभग 1000 करोड़ रुपए सिर्फ डेटा सेंटर में इन्वेस्ट करेंगे, ऐसी हमारी योजना है। मैं अपने अनुभवों के आधार पर आज इस मंच पर पूरे दावे से कह सकता हूं कि यूपी की वर्तमान सरकार जो वादा करती है उसे पूरा भी करती है। मैं, मेरा बेटा दर्शन और योटा के सीईओ सुनील गुप्ता, उनकी पूरी टीम यूपी के सरकार और प्रशासन के दिल से आभारी हैं। इन्होंने हमें अपने साथ काम करने का एक अच्छा मौका दिया। वैसे तो योगी जी और यूपी सरकार की पूरी मशीनरी योटा के लिए हेल्पफुल रही है, फिर भी विशेष रूप में श्री दुर्गा शंकर मिश्रा जी, अरविंद कुमार जी, नरेंद्र भूषण जी का योटा धन्यवाद देना चाहता है। मैं सभी से कहता हूं, वर्तमान यूपी सरकार आपको सफल बनाने के लिए आपका साथ काम करती है। एक बार मैं पुनः आप सभी इन्वेस्टर्स का उत्तर प्रदेश में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद श्री निरंजन हीरानंदानी जी। There are reputed foreign investors and companies also participating in this groundbreaking ceremony. I now very humbly request Mr. Matthew Arias of Air Liquet France to kindly come on dais and share his views. Namaste. Bonjour à tous. Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji,
Honorable Chief Minister Yogi Adityanath Ji, Honorable Minister for Industrial Development Sri Nand Gopal Nandi Ji, respected dignitaries and distinguished guests, dear sirs, dear madams, I wish to thank the Honorable Chief Minister Yogi Adityanath Ji for his invitation and the unique opportunity offered to Air Liquide to be in front of such a distinguished audience today. It is my honor and great pleasure to represent Air Liquide at this groundbreaking ceremony and share with you about our latest investment in India. This is the fifth oxygen production unit to be built and operated by Air Liquide in India, and with an investment of 350 crore rupees, about 40 million euros, this illustrates our renewed commitment towards Uttar Pradesh. This new plant, located in Mathura district at Kosi, will produce 350 tons of oxygen, nitrogen, and argon, and will enhance our capacity to serve our customers in North India, boosting the state economy and creating job opportunities. This unit, to be commissioned by the end of 2023, is also designed to fulfill the medical oxygen demand in Uttar Pradesh and to serve various segments of the local industrial ecosystem. In particular, our products would be used for manufacturing applications, welding, cutting, for environmental preservation, wastewater treatment, and will contribute to the decarbonization of hard-to-abate sectors like the cement industry. The Air Liquide Group is committed to sustainability objectives with a reduction of one-third of its CO2 emission by 2035 and the achievement of carbon neutrality by 2050. In this regard, our commitment is to start to operate the plant in Kosi with 40% green energy. Air Liquide is very proud to be joining the community of Uttar Pradesh, and we look forward to successful partnerships with the citizens, the businesses, and the authorities for many years to come. I would like to now thank the Uttar Pradesh authorities who are working diligently to make this region a preferred destination for foreign investors. Thanks to the constant collaboration between our respective teams and the frame of the oxygen production promotion policy launched by the Uttar Pradesh government, we were able to expedite the funding of this project together with a strong financial support. This land allotment has been done in a very short time frame, illustrating the high level of cooperation. And I wish to specifically mention and sincerely thank the professionalism and constant support from the Department of Industries, InvestUP, UP Side A, Nevesh Mitra and Mathura administration. On behalf of the Air Liquide Group, I would reiterate our strong commitment towards progressive investments in India in the coming years, in air separation plants, in healthcare, in specialty gases, and related areas. We are keen to act for the people of India, the energy transition, and we will proudly advocate India as an attractive business destination to various global companies. Dhanyavad, thank you. थैंक यू सो मच मिस्टर मैथ्यू आयरिस. हमारे बीच लखनऊ के लोकप्रिय सांसद और देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की गरिमा बढ़ा रहे हैं. मैं उनसे अनुरोध करूंगा कृपया सभागार में उपस्थित महानुभावों को संबोधित करने के लिए मंच पर पधारें. आकस्मिक रूप से मुझे आमंत्रित किया है, मुझे जानकारी नहीं थी पहले से, इसलिए माइंड में कभी नहीं कर पाया मैं. हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, सभागार में मौजूद उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के
सभी सदस्यगण और भिन्न भिन्न क्षेत्रों से जिन लोगों ने कि उत्तर प्रदेश में निवेश किया है, ऐसे उद्योग जगत से जुड़े मेरे सम्मानित महानुभाव, यह मेरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ है। शायद इसीलिए मुझे यहाँ पर कुछ कहने के लिए आमंत्रित किया गया है और इस उत्तर प्रदेश का, चूंकि मैं मुख्यमंत्री भी रह चुका हूँ, शायद यह भी सोचकर उन्होंने आमंत्रित किया होगा। चूंकि हमारा यह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पधारे हैं, इसलिए हृदय की गहराइयों से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और उनका मैं स्वागत करता हूँ। और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, जिस कर्मठता के साथ उत्तर प्रदेश को एक न्यू हाइट देने के लिए, नई ऊंचाई देने के लिए काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि बहुत विस्तार में जाकर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। उनकी कर्मठता, उनकी काल्पनिक क्षमता और त्वरित गति से किसी भी काम का निस्तारण होना चाहिए, इसके प्रति उनकी प्रतिबद्धता, कमिटमेंट, इससे आप सभी अच्छी तरह परिचित हैं। यही कारण है कि शायद उत्तर प्रदेश में निवेश तेजी के साथ बढ़ रहा है और आज पूरे देश में हमारा उत्तर प्रदेश आज दूसरे स्थान पर ईज ऑफ डूइंग के मामले में भी आकर खड़ा हो गया है। वैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारा भारत कभी ईज ऑफ डूइंग के मामले में 142वें स्थान पर 142 इस पोजीशन पर था, आज वह आकर 62 की पोजीशन पर हमारा भारत खड़ा हो गया है। और हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की प्रतिष्ठा कितनी तेजी के साथ बढ़ी है और उनका एक विजन है कि भारत का एक कंप्रिहेंसिव डेवलपमेंट होना चाहिए और इसी सोच के आधार पर सतत प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। दुनिया के दूसरे देशों में भी जाने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। मैं कह सकता हूं अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है तो उसका श्रेय यदि दिया जाना चाहिए तो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को इसका श्रेय दिया जाना चाहिए। पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यदि कुछ बोलता था, उसकी बातों को जितनी गंभीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए उतनी गंभीरतापूर्वक नहीं लिया जाता था, लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो लोग कान खोल कर भारत की बातों को सुनते हैं। यह हैसियत अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की बनी है। आप सभी उद्योग जगत से जुड़े हुए महानुभावों का मैं विशेष रूप से यहां पर अभिनंदन करना चाहता हूं कि भारत के सबसे बड़े राज्य, जनसंख्या की दृष्टि से तो सबसे बड़ा है ही, और मैं कह सकता हूं रिसोर्सेस के मामले में भी यह भारत और स्किल के मामले में भी हमारा यह उत्तर प्रदेश किसी से कम नहीं है। और आप सबने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में निवेश करने का फैसला लिया है, मैं जितना इस प्रदेश को जानता हूं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं जितना प्रदेश सरकार के द्वारा सहयोग आप सबको प्राप्त हो सकता है वह निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में वह पूरा का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। कामों का निस्तारण कितनी तेजी के साथ हो रहा है, अभी हमारे किसी सम्मानित उद्योगपति ने यह बतलाया कि एक महीने के अंदर एक मामले में क्लियरेंस हमको मिल गई, दूसरे मामले में 15 दिन में मिल गई, 2 महीने में मिल गई। इसकी संभवतः पहले कोई कल्पना नहीं कर सकता था। और मैं कह सकता हूं यह सब, ये जो कुछ भी हुआ है उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हुआ है, लेकिन इसके पहले पीछे विजन और मार्गदर्शन यदि किसी का है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। सदैव मुख्यमंत्रियों के साथ सीधा संवाद स्थापित करना, घंटों उनको समय देना और साथ ही साथ कंसेप्ट देना, आइडियाज देना, यह प्रधानमंत्री जी की प्रकृति है। और नजदीक से मैंने देखा है अद्भुत काल्पनिक क्षमता के धनी हमारे यह प्रधानमंत्री जी हैं। आज के अवसर पर इससे ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं पुनः अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी का तहे दिल हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ
और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारा उत्तर प्रदेश जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, इसके लिए मैं योगी आदित्यनाथ जी को भी अपनी तरफ से धन्यवाद देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूँ। धन्यवाद माननीय रक्षा मंत्री महोदय। उत्तर प्रदेश को एक बीमार राज्य की श्रेणी से निकालकर देश के अग्रगण्य राज्यों की कतार में लाकर खड़ा करने वाले और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का संकल्प लेने वाले प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को मैं उनके संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, तृतीय ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में उपस्थित देश के लोकप्रिय और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, देश के माननीय रक्षा मंत्री और लखनऊ के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री माननीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगीगण उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी, विधान परिषद के माननीय सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह जी, उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी, औद्योगिक विकास के राज्य मंत्री श्री जसवंत सैनी जी, आज के इस समारोह में उपस्थित देश के सभी उद्योगपतिगण, निवेशक, उद्यमी और उपस्थित सभी महानुभाव, मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश के इस तृतीय ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी का, सभी केंद्रीय मंत्रियों और देश से आए हुए सभी हमारे प्रमुख उद्योगपतियों, निवेशकों और उद्यमियों का भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सफलता के 8 वर्ष पूरे हुए हैं। ये 8 वर्ष आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर भारत को विगत 8 वर्षों के दौरान जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जिन नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ है, उसकी सर्वत्र सराहना हुई है। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को 8 वर्ष के देश के एक यशस्वी नेतृत्वकर्ता के रूप में सफलतापूर्वक इन 8 वर्षों की हृदय से बधाई देते हुए उनका इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। फरवरी 2018 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के पहले इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन इसी लखनऊ में किया था। 2018 के बाद अब तक 2018 में प्रथम इन्वेस्टर समिट के समय हमें 4,68,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिन्हें विगत 5 वर्षों के दौरान जिनमें से 3,00,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव जमीनी धरातल पर हमें उतारने में मदद मिली। और आज कोरोना कालखंड के दौरान भी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से जीवन और जीविका को बचाने के साथ ही
प्रदेश के अंदर निवेश प्रस्तावों को भी सफलतापूर्वक लागू करने के जिस अभियान को राज्य सरकार ने आगे बढ़ाया था, उसका परिणाम था कि उत्तर प्रदेश में इस दौरान लगभग 66,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए थे, जिन्हें हम लोगों ने पूरी मजबूती के साथ जमीनी धरातल पर उतारने में सफलता भी प्राप्त की। और आज उत्तर प्रदेश का यह तृतीय ग्राउंड ब्रेकिंग का सेरेमनी यहाँ पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न होने जा रहा है, जिसमें 80,000 करोड़ रुपए की लागत से नई परियोजनाओं के कार्य को आगे बढ़ाने की दृष्टि से यह कार्यक्रम आज यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है। 1400 से अधिक जो निवेश की परियोजनाएं हैं, इनमें डाटा सेंटर की हैं, कृषि और संबद्ध क्षेत्र है, ITM एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का क्षेत्र है, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, हथकरघा एवं टेक्सटाइल, MSME आदि क्षेत्रों की इन परियोजनाओं में, जिनके माध्यम से 5 लाख प्रत्यक्ष और 20 लाख से 20 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार के सृजन इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश को प्राप्त होंगे। हम लोगों ने विगत 5 वर्ष के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस मंत्र को अंगीकार किया, जिसमें रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को दिए थे। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में विगत 5 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश अपनी अर्थव्यवस्था को 6ठी अर्थव्यवस्था से 2री अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर करने में तेजी के साथ आगे बढ़ा है। इज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर 2रे स्थान पर है। लीड्स 2021 रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश के 7 स्थानों की उल्लेखनीय बढ़त हुई उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुई है, और उत्तर प्रदेश ने अपने परंपरागत उद्यम को बढ़ाते हुए आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसी योजनाओं के माध्यम से इनके प्रभावी क्रियान्वयन के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश निर्यात को 88,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर के 1,56,000 करोड़ रुपए सालाना करने में भी उत्तर प्रदेश को सफलता प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश ने 2017 में अपनी औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति लागू की थी, और इसके साथ ही हम लोगों ने प्रदेश में इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली जो 20 सेक्टोरियल पॉलिसीज को भी हम लोगों ने उद्यमिता, इनोवेशन और मेक इन इंडिया की तर्ज पर आगे बढ़ाने का कार्य किया। श्रम, भूमि आवंटन, संपत्ति रजिस्ट्रेशन, पर्यावरणीय अनुमोदन, निरीक्षण, विनियमन, कर भुगतान आदि के क्षेत्रों में रिकॉर्ड 500 से अधिक सुधार हम लोगों ने इस दौरान लागू किए। 40 विभागों के 1400 से अधिक जो कॉम्प्लायंस थे उन्हें हम लोगों ने समाप्त किए। डिजिटल सिंगल विंडो क्लीयरेंस प्लेटफॉर्म निवेश मित्र के रूप में 29 विभागों की 349 सेवाएं आज इन्वेस्टर्स को यूपी में ऑनलाइन प्राप्त हो सकती हैं। मेगा एवं उससे उच्च श्रेणी के उद्योगों को आवेदन करने के 15 दिन के भीतर भूमि प्रदान करने का प्रावधान भी हम लोगों ने इस व्यवस्था के साथ लागू किया, और साथ ही साथ प्रदेश में हम लोगों ने इस दौरान प्रदेश के अंदर जो निवेश फ्रेंडली माहौल बनाने, कानून व्यवस्था को बेहतर करने, परंपरागत उद्यम को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से आगे बढ़ाने का जो कार्य किया, 1,61,00,000 से अधिक युवाओं को हम लोगों ने प्रदेश में निजी क्षेत्र में रोजगार सृजन की दिशा में मदद करने में भी सफलता प्राप्त की, और केंद्र और राज्य सरकार की जो विभिन्न प्रकार की उन योजनाओं से जो आर्थिक स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त करती हैं, 60,00,000 ऐसे हमने परंपरागत उद्यमियों को भी इस योजना के साथ जोड़ा, तो 5,00,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी भी हम लोगों ने विगत 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाई। और इसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश में
जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 18% से घटकर के 2.9% रह गई है। प्रदेश में प्रमुख उत्पादन एवं निर्यात केंद्रों का निर्बाध कनेक्टिविटी की दृष्टि से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से नवंबर 2021 में संपन्न हो चुका है। बुंदेलखंड क्षेत्र जो आज़ादी के बाद से विकास और जल के लिए तरसता था, आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और डिफेंस कॉरिडोर के दो प्रमुख नोड बुंदेलखंड में झांसी और चित्रकूट में बन रहा है, तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भी इस जून के अंत तक बनकर के तैयार हो जाएगी। इसके साथ ही बुंदेलखंड में हर घर नल की योजना के माध्यम से भी प्रत्येक घर तक शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के कार्यक्रम को भी युद्ध स्तर पर हम आगे बढ़ा रहे हैं। पूर्वांचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ ही उत्तर प्रदेश वर्तमान में 5 एक्सप्रेसवे के साथ कार्य कर रहा है, जिनमें युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर संचालित हैं, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या के संचालन होने पर आगामी कुछ वर्षों में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला देश का एकमात्र राज्य उत्तर प्रदेश होगा। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के तहत वाराणसी से हल्दिया सेक्शन वर्तमान में संचालित है और उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में भी 6 नोड्स विकसित किए जा रहे हैं। लखनऊ नोड में ब्रह्मोस मिसाइल के निर्माण की इकाई तथा झांसी नोड में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की इकाई स्थापित की जा रही है। RRTS का निर्माण उत्तर प्रदेश के अंदर दिल्ली मेरठ के बीच में प्रगति पर है। PM गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के माध्यम से प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बढ़ावा मिल रहा है। सरकार निवेशकर्ताओं को हर संभव सहयोग और सुविधा प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज का यह ग्राउंड ब्रेकिंग का सेरेमनी, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी कृपापूर्ण उपस्थिति से उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दिलाने के इस अभियान में अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए आज स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, मैं उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से उनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए आभार व्यक्त करता हूँ। केंद्रीय मंत्रियों और सभी अपने देश के सभी प्रमुख उद्योगपतियों, प्रमुख निवेशकों और उद्यमियों का भी मैं इस अवसर पर हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, उत्तर प्रदेश में उनका निवेश न केवल सुरक्षित होगा बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों के अंतर्गत उन्हें हर प्रकार का संरक्षण भी प्राप्त होगा। आप सबको मैं उत्तर प्रदेश पर विश्वास व्यक्त करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब वो समय आ गया है जिस क्षण की प्रतीक्षा हम सबको थी। मैं अत्यंत विनम्रता पूर्वक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध करूंगा, कृपया डिजिटल ग्राउंड ब्रेकिंग के उद्घाटन के लिए मंच के अग्रभाग में पधारें माननीय प्रधानमंत्री महोदय। बेहतर होने के लिए दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। अगर हमें बनना है सर्वश्रेष्ठ तो खुद से स्पर्धा करनी होगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को भारत और विश्व के सर्वोत्तम व्यापार और निवेश स्थानों में परिवर्तित करने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। इस प्रयास में प्रथम इन्वेस्टर समिट में प्रदेश की सरकार की नीतियों में विश्वास जताते निवेशकों से 4,68,000 करोड़ के निवेश प्राप्त हुए, जिनमें तेजी से कार्य प्रारंभ हुए तथा पहले जीबीसी और दूसरे जीबीसी का कुल मिलाकर 1,29,000 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को जमीन पर लाने का समारोह आयोजित किया गया और अब तक 3,00,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। अब 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार प्रस्तुत करती है यूपी जीबीसी 3.0। तीसरे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह के अंतर्गत 80,224 करोड़ रुपए की लागत की 1,406 परियोजनाओं का शुभारंभ किया जाएगा। जीबीसी 3.0 के तहत निवेश, डेटा सेंटर, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, हथकरघा और कपड़ा, रिन्यूएबल एनर्जी, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रक्षा और एरोस्पेस, विनिर्माण और एमएसएमई के क्षेत्र में पूरे उत्तर प्रदेश में होगा, जिससे राज्य का हर हिस्सा लाभान्वित होगा। आकांक्षाओं की ये उड़ान प्रधानमंत्री जी के नए भारत और आत्मनिर्भर भारत के विजन से प्रेरित है। उत्तर प्रदेश में आज व्यवसाय को यदि एक आदर्श वातावरण प्राप्त हुआ है तो राज्य में प्रमुख शासकीय सुधारों, उत्कृष्ट कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, प्रगतिशील नीतियां तथा एक्सप्रेसवेज, हवाई अड्डों, लॉजिस्टिक्स सुविधाएं, मेट्रो, निर्बाध बिजली एवं औद्योगिक गलियारों सहित अत्याधुनिक ग्रीनफील्ड बुनियादी ढांचे के विकास की सुदृढ़ नींव पर एक जीवंत निवेशोन्मुख वातावरण बनाया जा रहा है। इसका एक महत्वपूर्ण कारण योगी सरकार की भ्रष्टाचार और आपराधिक तत्वों के प्रति जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी भी है। पिछले वर्षों की तुलना में आपराधिक मामलों के घटते ग्राफ ने प्रदेश में बिजनेस फ्रेंडली माहौल को निरंतर बेहतर बनाया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश 12 स्थानों की छलांग लगाकर आज देश में दूसरे स्थान पर है। इस पोजीशन को प्राप्त करने में योगी सरकार की रिफॉर्म ओरिएंटेड नीतियों द्वारा राज्य के 40 विभागों में 1400 से अधिक अनुपालन को कम करने जैसे महत्वपूर्ण कारण शामिल हैं। प्रदेश का निवेश मित्र पोर्टल, जो भारत के सबसे बड़े डिजिटल सिंगल विंडो पोर्टल्स में से एक है, वो उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को 349 ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करता है। साथ ही ये राष्ट्रीय सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के साथ पूरी तरह से एकीकृत भी है। उत्तर प्रदेश में लगानी ग्रुप 700 करोड़ की लागत से कोका कोला मेगा प्लांट लगाने जा रहा है। मैं बताना चाहूंगा कि यूपी सीडा ने तो रिकॉर्ड टाइम में 17 दिन के अंदर हमको 35 एकड़ जमीन आवंटित कर दी। ऐसा तो हमने किसी भी स्टेट में नहीं देखा, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये अब संभव हुआ है। भारत में आज एमएसएमई की संख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। प्रदेश ने प्रत्येक जिले से एक प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP पहल शुरू की है। आज ODOP ने न केवल स्थानीय कला को प्रोत्साहित किया है, साथ ही 6,00,000 लोगों को सीधे और लाखों कारीगरों को अप्रत्यक्ष रूप से जोड़ा है और 5 साल में MSME में 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिलाया है। आज 75 जनपदों के 62 उत्पाद ई-कॉमर्स पोर्टल्स के माध्यम से देश और दुनिया भर में खरीदे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ODOP की सफलता के बाद अब केंद्र सरकार इस योजना को देश भर में लागू कर रही है। आज उत्तर प्रदेश भारत में उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा उत्पादक है और डेटा सेंटर के लिए एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में उभर रहा है। अगस्त 2020 में कोविड के चरम पर हमने पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार से संपर्क किया। हमने लॉकडाउन के कारण ड्रोन सर्वेक्षण के माध्यम से अपनी साइट का चयन किया और लैंड अलॉटमेंट के लिए ऑनलाइन आवेदन किया। अक्टूबर 2020 तक हमें आगे बढ़ने के लिए सरकार से ग्रीन लाइट मिली। सफलता के निरंतर नए आयाम छूना संभव हुआ है इंटेंट के इन्वेस्टमेंट में परिवर्तित होने से। हमारा नया प्रोजेक्ट एरेलॉय टेक्नोलॉजी, इस प्रोजेक्ट के लिए यूपी गवर्नमेंट ने कुल 15 दिनों में हमको 50 एकड़ लैंड और सारी अप्रूवल्स दिलाए।
जो कि आज से पहले ऐसा कल्पना करना भी असंभव था। अप्रैल 2020 में जब विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा था, तब प्रधानमंत्री मोदी के पदचिन्हों पर चलते हुए उत्तर प्रदेश ने आपदा में अवसर देखते हुए एक हेल्प डेस्क की स्थापना की। इस हेल्प डेस्क के तहत विश्व की प्रमुख कंपनियों ने कोरोना महामारी के दौरान प्रदेश में 60,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव प्राप्त किया, जिससे लाखों युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए। कोरोना काल में हमने पेटीएम फाउंडेशन ने लखनऊ से लेकर अलीगढ़ तक ऑक्सीजन प्लांट्स लगवाए, हजारों की संख्या में कंसंट्रेटर उपलब्ध करवाए। उत्तर प्रदेश हमारे लिए हमेशा घर रहेगा। हम इस राज्य की सफलता में अपनी भागीदारी में हमेशा और बढ़ोतरी करते रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने दूसरे कार्यकाल की पहल उत्तर प्रदेश को $1 trillion की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के साथ की है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के ब्लूप्रिंट पर कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। निवेश के क्षेत्र में असीमित अवसरों का प्रदेश, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समृद्ध भारत के विजन 2047 को साकार करने के लिए कटिबद्ध है। किसी भी देश का मस्तक तब गर्व से ऊंचा होता है जब उस देश का नेतृत्व सूर्य के समान दैदीप्यमान व्यक्तित्व के हाथों में होता है। ऐसा नेतृत्व जो दिन रात सोते जागते हर समय देश और देशवासियों के उत्थान के विषय में सोचता रहता हो। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की इन पंक्तियों के साथ कि बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। मैं देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को उनके आशीर्वचन के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, लखनऊ के सांसद और भारत सरकार के हमारे वरिष्ठ साथी श्रीमान राजनाथ सिंह जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे अन्य सहयोगीगण, यूपी के उप मुख्यमंत्री, राज्य सरकार के मंत्रीगण, विधानसभा और विधान परिषद के स्पीकर महोदय, यहाँ उपस्थित उद्योग जगत के सभी साथी, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश के सांसद के नाते, काशी के सांसद के नाते निवेशकों का स्वागत करता हूं और निवेशकों का मैं इसलिए धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की युवा शक्ति पर भरोसा किया है। उत्तर प्रदेश की युवा शक्ति में वो सामर्थ्य है कि आपके सपनों और संकल्पों को नई उड़ान, नई ऊंचाई देने का सामर्थ्य उत्तर प्रदेश के नौजवानों में है और आप जिस संकल्प को लेकर के आए हैं, उत्तर प्रदेश के नौजवानों का परिश्रम, उनका पुरुषार्थ, उनका सामर्थ्य, उनकी समझ, उनका समर्पण आपके सभी सपने संकल्पों को सिद्ध करके रहेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।
काशी का सांसद हूं, तो एक सांसद के नाते मैं ये लोभ छोड़ नहीं सकता हूं, मोह छोड़ नहीं सकता हूं। तो मैं इतना तो चाहूंगा कि आप लोग बहुत व्यस्त होते हैं, लेकिन कभी समय निकाल करके मेरी काशी देख के आइए। काशी बहुत बड़ी, काशी बहुत बदल गई है। विश्व की ऐसी नगरी अपनी पुरातन सामर्थ्य के साथ नए रंग रूप में सज सकती है, ये उत्तर प्रदेश की ताकत का जीता जागता उदाहरण है। साथियों, यूपी में 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश से संबंधित समझौते यहां हुए हैं। ये रिकॉर्ड निवेश यूपी में रोजगार के हजारों नए अवसर बनाएगा। ये भारत के साथ ही उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी पर बढ़ते विश्वास को दिखाता है। आज के इस आयोजन के लिए मैं यूपी के नौजवानों को विशेष बधाई दूंगा, क्योंकि इसका सबसे बड़ा लाभ यूपी के युवकों को, युवतियों को, हमारे नई पीढ़ी को होने वाला है। साथियों, इस समय हम अपनी आजादी के 75वें वर्ष का पर्व मना रहे हैं, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये समय अगले 25 वर्षों के लिए अमृत काल, नए संकल्प का काल, नए लक्ष्यों का काल और नए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सबका प्रयास के मंत्र को लेकर के परिश्रम की पराकाष्ठा करने का अमृत काल है। आज दुनिया में जो वैश्विक परिस्थितियां बनी है, वो हमारे लिए बड़े अवसर भी लेकर आई है। दुनिया आज जिस भरोसेमंद साथी को तलाश रही है, दुनिया तलाश रही है, उस पर खरा उतरने का सामर्थ्य सिर्फ हमारे लोकतांत्रिक भारत के पास है। दुनिया आज भारत के पोटेंशियल को भी देख रही है और भारत के परफॉर्मेंस की भी सराहना कर रही है। कोरोना काल में भी भारत रुका नहीं, बल्कि अपने रिफॉर्म्स की गति को और बढ़ा दिया। इसका परिणाम आज हम सभी देख रहे हैं। हम G20 अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से ग्रो कर रहे हैं। आज भारत ग्लोबल रिटेल इंडेक्स में दूसरे नंबर पर है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर देश है। बीते साल दुनिया के 100 से अधिक देशों से $84 बिलियन का रिकॉर्ड FDI आया है। भारत ने बीते वित्तीय वर्ष में 417 बिलियन डॉलर यानी 30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का
मर्केंडाइज एक्सपोर्ट करके नया रिकॉर्ड बनाया है। साथियों, एक राष्ट्र के रूप में अब ये समय अपने साझा प्रयासों को कई गुना अधिक बढ़ाने का है। एक ऐसा समय है जब हम अपने फैसलों को सिर्फ एक साल या पांच साल को देखते हुए सीमित नहीं रख सकते। भारत में एक मजबूत मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, एक मजबूत और डाइवर्स वैल्यू और सप्लाई चेन विकसित करने के लिए हर किसी का योगदान आवश्यक है। सरकार अपनी तरफ से निरंतर नीतियां बना रही हैं, पुरानी नीतियों में सुधार कर रही हैं। अभी हाल ही में केंद्र की एनडीए सरकार ने अपने 8 वर्ष पूरे किए हैं। इन वर्षों में हम, जैसा अभी योगी जी बता रहे थे, रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र के साथ आगे बढ़े हैं। हमने पॉलिसी स्टेबिलिटी पर जोर दिया है, कोऑर्डिनेशन पर जोर दिया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर जोर दिया है। बीते समय में हमने हजारों कंप्लायंस खत्म किए हैं, पुराने कानूनों को समाप्त किया है। हमने अपने रिफॉर्म से एक राष्ट्र के रूप में भारत को मजबूती देने का काम किया है। वन नेशन वन टैक्स जीएसटी हो, वन नेशन वन ग्रिड हो, वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड हो, वन नेशन वन राशन कार्ड हो, ये सारे प्रयास हमारी ठोस और स्पष्ट नीतियों का प्रतिबिंब है। जब से यूपी में डबल इंजन की सरकार बनी है, तब से यूपी में भी इस दिशा में तेजी से काम हो रहा है। विशेषकर यूपी में जिस प्रकार कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरी है, उसे व्यापारियों का भरोसा लौटा है, बिजनेस के लिए सही माहौल बना है। बीते वर्षों में यहां की प्रशासनिक क्षमता और गवर्नेंस में भी सुधार आया है, इसलिए आज जनता का विश्वास योगी जी की सरकार पर है। और जैसे उद्योग जगत के साथी अपने अनुभव के आधार पर अभी उत्तर प्रदेश की सराहना कर रहे थे, मैं सांसद के नाते अपने अनुभव बताता हूं। कभी हमने कोई उत्तर प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेशन से निकट से नहीं देखा था, कभी मुख्यमंत्रियों की मीटिंगों में लोग आया करते थे तो वहां के एजेंडा कुछ अलग होते थे, लेकिन एक सांसद के रूप में जब मैं यहां काम करने लगा तो मेरा विश्वास अनेक गुना बढ़ गया कि उत्तर प्रदेश का ब्यूरोक्रेसी, उत्तर प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेशन में वो ताकत है जो देश उनके पास चाहता है। जो बात उद्योग जगत के लोग कह रहे थे, एक सांसद के नाते मैंने स्वयं ने इस सामर्थ्य को अनुभव किया है, और इसलिए मैं यहां सरकार के सभी ब्यूरोक्रेसी, सरकार के छोटे मोटे हर व्यक्ति को ये जो मिजाज उनका बना है, इसके लिए बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज यूपी की जनता ने 37 साल बाद किसी सरकार को फिर से सत्ता में वापस लाकर अपनी सेवा की जिम्मेदारी सौंपी है। साथियों, उत्तर प्रदेश में भारत की 5वें/6ठे हिस्से की आबादी रहती है,
यानी यूपी के एक व्यक्ति की बेहतरी भारत के हर छठे व्यक्ति की बेहतरी होगा। मेरा विश्वास है कि यूपी ही है जो 21वीं सदी में भारत की ग्रोथ स्टोरी को मोमेंटम देगा, और इसी 10 वर्ष को आप देख लीजिए, एक उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का बहुत बड़ा ड्राइविंग फोर्स बनने वाला है जी। ये 10 वर्ष आपको दिखाई देगा, जहां परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाले लोग हो, जिस प्रदेश में देश की कुल आबादी का 16% से अधिक कंज्यूमर बेस हो, जहां 5 लाख से अधिक आबादी वाले 1 दर्जन से ज्यादा शहर हो, जहां हर जिले का अपना कोई न कोई खास प्रोडक्ट हो, जहां इतनी बड़ी संख्या में एमएसएमईज हो, लघु उद्योग हो, जहां अलग अलग मौसमों में अलग अलग कृषि उत्पादों, अनाज, फल, सब्जियों की बहार हो, जिस प्रदेश को गंगा, यमुना, सरयू समेत अनेक नदियों का आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसे यूपी को तेज विकास से भला कौन रोक सकता है। साथियों, अभी इस बजट में ही हमने गंगा के दोनों किनारों पर, भारत सरकार के बजट की बात कर रहा हूं, 5-5 किलोमीटर के दायरे में केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग का कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है। डिफेंस कॉरिडोर की चर्चा तो होती है, लेकिन इस कॉरिडोर की कोई चर्चा नहीं करता है। यूपी में गंगा 1100 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है और यहां के 25 से 30 जिलों से होकर गुजरती है। आप कल्पना कर सकते हैं कि नेचुरल फार्मिंग की कितनी बड़ी संभावना यूपी में बनने जा रही है। यूपी सरकार ने कुछ वर्ष पहले अपनी फूड प्रोसेसिंग नीति भी घोषित की है। मैं समझता हूं कॉरपोरेट वर्ल्ड के लिए, और यहां जो उद्योग जगत के लोग हैं उनसे मैं आग्रह पूर्वक इस विषय पर कहना चाहता हूं, कॉरपोरेट वर्ल्ड के लिए इस समय एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट की एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। साथियों, तेज विकास के लिए हमारी डबल इंजन की सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग तीनों पर एक साथ काम कर रही है। इस साल के बजट में 7.5 लाख करोड़ रुपए के अभूतपूर्व कैपिटल एक्सपेंडिचर का एलोकेशन इसी दिशा में उठाया गया कदम है। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए हमने पीएलआई स्कीम्स घोषित की हैं, जिनका लाभ आपको यहां यूपी में भी मिलेगा। यूपी में बन रहा डिफेंस कॉरिडोर भी आपके लिए बेहतरीन संभावनाएं लेकर आ रहा है। भारत में आज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पर जितना जोर दिया जा रहा है, उतना पहले कभी नहीं दिया गया। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत हमने बड़ी हिम्मत के साथ फैसला किया है, हमने 300 चीजें ऐसी आइडेंटिफाई की हैं और हमने निर्णय किया है कि ये 300 चीजें अब विदेश से नहीं आएगी। यानी मिलिट्री इक्विपमेंट से जुड़ी हुई ये 300 चीजें हैं, मतलब डिफेंस के क्षेत्र में जो मैन्युफैक्चरिंग में आना चाहते हैं उनके लिए इन 300 प्रोडक्ट के लिए तो मार्केट एश्योर्ड मार्केट अवेलेबल है। इसका भी आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। साथियों, हम मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसपोर्ट जैसे पारंपरिक बिजनेस की डिमांड को पूरा करने के लिए फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बना रहे हैं।
यहां यूपी में भी आधुनिक पावर ग्रिड हो, गैस पाइपलाइन का नेटवर्क हो या फिर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, सभी पर 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुसार काम हो रहा है। आज यूपी में जितने किलोमीटर एक्सप्रेसवे पर काम हो रहा है वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आधुनिक एक्सप्रेसवे का सशक्त नेटवर्क उत्तर प्रदेश के सभी इकोनॉमिक जोन्स को आपस में कनेक्ट करने वाला है। जल्द ही यूपी की पहचान आधुनिक रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के संगम के रूप में भी होने वाली है। ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, यही यूपी में आपस में एक दूसरे से जुड़ने वाले हैं। जेवर समेत यूपी के 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहां की इंटरनेशनल कनेक्टिविटी को और मजबूत करने वाले हैं। ग्रेटर नोएडा का क्षेत्र हो या फिर वाराणसी, यहां 2 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट हब का निर्माण भी हो रहा है। इंडस्ट्रियल स्ट्रेटेजी के हिसाब से, लॉजिस्टिक के हिसाब से यूपी देश के सबसे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर वाले राज्यों में शामिल हो रहा है। यूपी में बढ़ती हुई ये कनेक्टिविटी और बढ़ता हुआ इन्वेस्टमेंट यूपी के युवाओं के लिए अनेक नए अवसर लेकर आ रहा है। साथियों, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में गति आए इसके लिए हमारी सरकार ने पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान बनाया है। ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार, अलग अलग विभाग, अलग अलग एजेंसियां, इतना ही नहीं स्थानीय स्वराज की संस्थाओं तक को, सभी को एक साथ जोड़ना, उसी प्रकार से प्राइवेट सेक्टर, बिजनेस से जुड़े संस्थानों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम ये पीएम गतिशक्ति योजना के द्वारा हो रहा है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसी भी प्रोजेक्ट से जुड़े हर स्टेक होल्डर को रियल टाइम जानकारी मिलेगी, अपने अपने हिस्से का काम उसे कब तक पूरा करना है उसकी प्लानिंग वो समय पर कर पाएगा। बीते 8 साल में प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने का जो नया कल्चर देश में विकसित हुआ है उनको ये नए आयाम देगा। साथियों, बीते वर्षों में भारत ने जिस तेजी से काम किया है उसका एक उदाहरण हमारी डिजिटल क्रांति है। 2014 में हमारे देश में सिर्फ 6.5 करोड़ ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर थे, आज इनकी संख्या 78 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। 2014 में 1 GB डेटा करीब करीब 200 रुपये का पड़ता था, आज इसकी कीमत घटकर 11-12 रुपये हो गई है। भारत दुनिया के उन देशों में है जहां इतना सस्ता डेटा है। 2014 में देश में 11 लाख किलोमीटर का ऑप्टिकल फाइबर था, अब देश में बिछाए गए ऑप्टिकल फाइबर की लंबाई 28 लाख किलोमीटर के पार कर चुकी है। 2014 में देश में 100 से भी कम, यानी 100 भी नहीं, 100 से भी कम ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर पहुंचा था। आज ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ी ग्राम पंचायतों की संख्या भी
2.25 लाख को पार कर गई है। 2014 में देश में 90,000 के आसपास ही कॉमन सर्विस सेंटर्स थे, आज देश में कॉमन सर्विस सेंटर्स की संख्या भी 4 लाख से ज्यादा हो गई है। आज दुनिया के डिजिटल ट्रांजैक्शन का करीब करीब 40% भारत में हो रहा है, दुनिया का 40%। किसी भी हिंदुस्तानी को गर्व होगा, जिस भारत को लोग अनपढ़ बताते हैं वो भारत ये कमाल कर रहा है। हमने बीते 8 वर्षों में डिजिटल क्रांति के लिए जिस फाउंडेशन को मजबूत किया, उसी का नतीजा है कि आज अलग अलग सेक्टर्स के लिए इतनी संभावनाएं बन रही है। इसका बहुत बड़ा लाभ हमारे युवाओं को मिला है। 2014 से पहले हमारे यहां कुछ 100 स्टार्टअप भी थे, लेकिन आज देश में रजिस्टर्ड स्टार्टअप की संख्या भी 70,000 के आसपास पहुंच रही है। अभी हाल ही में भारत ने 100 यूनिकॉर्न का रिकॉर्ड भी बनाया है। हमारी नई इकोनॉमी की डिमांड को पूरा करने के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती का बहुत लाभ आप लोगों को मिलने वाला है। साथियों, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि यूपी के विकास के लिए, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए जिस भी सेक्टर में जो भी रिफॉर्म आवश्यक होंगे, वो रिफॉर्म निरंतर किए जाते रहेंगे। हम नीति से भी विकास के साथ है, निर्णयों से भी विकास के साथ है, नियत से भी विकास के साथ है, और स्वभाव से भी विकास के साथ है। हम सब आपके हर प्रयास में आपके साथ होंगे और हर कदम पर आपका साथ देंगे। आप पूरे उत्साह से उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा में शामिल हो, उत्तर प्रदेश के भविष्य का निर्माण आपके भविष्य को भी उज्जवल बनाएगा। ये विन विन सिचुएशन है। ये निवेश सभी के लिए शुभ हो, सभी को लाभ देने वाला हो, इसी कामना के साथ इति शुभम कहते हुए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो आप अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे। यूपी इन्वेस्टर्स समिट की थर्ड ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में प्रधानमंत्री मोदी वहां पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि तेज विकास के लिए हमारी डबल इंजन की सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग तीनों पर एक साथ काम कर रही है। इस साल के बजट में 7.5 लाख करोड़ रुपये के अभूतपूर्व कैपिटल एक्सपेंडिचर का एलोकेशन इसी दिशा में उठाया।